ज वेलकम टू दिस सेशन देखो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेरी ट्रेडिंग के अब तक के सबसे बड़े लॉस के बारे में देखो नंबर्स की बात मैं वैसे भी नहीं करता हूँ रेयरली कभी कुछ नंबर दिखाना पड़ता है तो दिखा देता हूँ इस सेशन में थोड़ा नंबर भी दिखाऊंगा क्योंकि जरूरी है किसी किसी को देखने की आदत होती है और साथ ही साथ आपको साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि मेरा वो सबसे बड़ा लॉस क्यों हुआ था पहली बात जो ट्रेडर के छोटे लॉस होते हैं ना वो उसके स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से होते हैं वो किसी सेटअप को फॉलो कर रहा होता है वहां पर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाता है वो हिट हो जाता है तो वहां पर छोटे लॉसेज होते हैं लेकिन एक ट्रेडर का बड़ा लॉस तभी होता है जब उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है अगर आप किसी के बड़े से सुनते हो और उसके पीछे वो कोई रीजन देता है कि यार ये चार्ट पैटर्न ऐसा हो गया था ये हो गया था उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको चार्ट वगैरह का आइडिया तो आपने स्टॉप लॉस पहले निकाला होगा अगर आपने वहाँ पर एग्जिट नहीं किया तो बड़े लॉस तभी हो रहे हैं ना आपकी साइकोलॉजी खराब हो गई थी अब कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ देखो सबके रीजन अलग हो सकते हैं आप में से कुछ ऐसे होंगे जिसको कर्जा उतारना है कि दस हज़ार रुपये बचे लेकिन हमने कर्जा ले रखा है पचास हजार रुपये का तो दस से पचास बनाने की उस दौड़ में आप जो हाथ में दस हज़ार होते हैं वो भी गवा देते हो किसी का रीजन ये रहता है कि यार आज मुझे कपड़े पसंद आ गए और मेरे पास पचास हजार रुपए ठीक है दस मैं उस पचास हज़ार रुपये को निकाल नहीं सकता हूँ लेकिन मुझे दस हज़ार अलग से कमाने आज ही कमाने तो वो उस चक्कर में दस बीस हज़ार एक्स्ट्रा गवा देता है ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हुए हैं तो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ प्रैक्टिकली ऐसा होता है अब यहाँ पर मेरा रीजन क्या था देखो जब मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हूँ या फिर आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होते हो ना या फिर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो ट्रेडिंग वीडियोस बनाते हैं ट्रेडिंग सेशंस बनाते हैं इन सब में आपस में ना आप, आप कहो ना कोई एक छोटी दौड़ लगी रहती है कि यार इसने पचास का प्रॉफिट बनाया है इसने दो लाख का बनाया तो सामने से जो व्यूअर होता है ना वो उस हिसाब से जज कर जाता है कि यार ये पचास बना रहा है ये दो लाख बना रहा है यानी कि ये बेटर है ये दो लाख बना रहा है ये दस लाख बना रहा है ये और ज़्यादा बेटर है अब दस लाख वाले के ऊपर चालीस मतलब आपको पता भी नहीं होगा आप यूट्यूब पे जो नंबर्स देख रहे हो ना वो कुछ भी नंबर नहीं है जो असल ट्रेडर होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे कहीं हैं ही उनके नंबर कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल रहते हैं आप कभी हेज फंड मैनेजर जो होते हैं ना जो बड़े बड़े फंड को मैनेज कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियोज देखो ठीक है उनकी अर्निंग्स देखो तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि हमारी जो अर्निंग्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ वो कुछ भी नहीं है चाहे आपके लिए वो बड़ी हो सकती है लेकिन वो कुछ भी नहीं होती है लेकिन एक रेस यहाँ पर सोशल मीडिया पे लगी रहती है कुछ टाइम पहले मेरी थोड़ी साइकोलॉजी खराब हुई और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़े बड़े नंबर अचीव करने की कोशिश करते हैं दिखाते हैं लेकिन वो दिखाने के चक्कर में एक छोटा लॉस हो गया बीच में जो कि अब तक का मेरे लिए सबसे बड़ा लॉस था उसकी बात करते हैं पहले मैं आपके सामने पी खोल देता हूँ देखो ये मार्च की बात है मार्च से पूरे फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक यानी कि कंप्लीट ट्रेडिंग वीक दिखाऊंगा जब मैं रेगुलर ट्रेडिंग कर रहा था तो रेगुलर ट्रेडिंग के दिन की बात कर रहा हूँ मैं पूरा वीक दिखाता हूँ पूरे पांचों दिन मैंने ट्रेडिंग सेशंस में सारे दिन काम किया है

तो आपको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ दो लाख कैपिटल का यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए एक से दो लाख रुपए का उससे ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करता मेरी साइकोलॉजी खराब होने लगती है असल में मेरी कैपिटल ट्वेंटी लाख है आपको कभी पोर्टफोलियो देखना रहा तो वो भी दिखा दूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका तो मैं ट्वेंटी लाख में से सिर्फ टू लाख रुपीज़ कैपिटल यूज करता हूँ जब भी ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि फिर मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ कि लॉस होगा तो ऑलरेडी दस परसेंट कैपिटल उसमें से भी दस पंद्रह बीस परसेंट होगा तो कुछ भी स्ट्रेस मुझे नहीं आता है तो दो लाख कैपिटल यूज़ करिए उससे दो लाख सोलह हज़ार का प्रॉफिट हुआ सेकेंड डे ग्रीन इस बार कैपिटल डबल हो चुकी है नेक्स्ट डे चलते हैं देखो यहां पर अब फिर से पिछले दिन के प्रॉफिट वाला कैपिटल एक बेस कैपिटल यानी कि लाख रुपए हो चुके हैं कैपिटल को यूज करके फिर से दो लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया दो लाख के बन चुके हैं छह लाख से ज्यादा ही हो चुके हैं सिर्फ तीन चार दिन के वीक में तीन चार दिन के गैप में अब चलते हैं वेटनसडे को वेटनर्सडे को फिर से एक लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो यानी कि आप देख रहे हो तीन रुपए वो ग्रीन था मंडे को दो लाख रुपए ट्यूसडे को दो लाख रुपए वेडनेसडे को एक लाख रुपए मतलब दो लाख का यूज़ करके अब वो सात लाख रुपए बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है कोई ट्रेडर की कैपिटल इतनी जल्दी जल्दी डबल होती है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है उसको लगता है कि यार सब अपना फेवर में चल रहा है शायद ये वीक अपना है और साइकोलॉजी थोड़ी सी बिगड़ जाती है एक पहला रीजन ये रहा था कि मेरा पूरा वीक ग्रीन रहा जो भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मोस्टली वो प्रॉफिट में ही जा रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा था मोस्टली मेरे ट्रेड सारे प्लस में ही जा रहे थे तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार हाँ ठीक है एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो इस बड़े रिस्क के पीछे क्या रीजन रहा कि एक अचीव है कि दो देजार, देजार का मेरा उसने जो भी एक्टिव होता हूँ तो तीन लाख का मेरा एक माइल था कि तीन लाख रुपए इंटर में अचीव करना है अब देखते हैं थर्सडे को क्या अचीव हुआ देखोगे ना चौदह समथिंग लाइक पंद्रह हजार रुपये का आपको लॉस दिख रहा होगा है ना और सात हजार रुपये लगभग ब्रोकरेज लग गई मतलब लगा लो फिफ्टी परसेंट जितना लॉस हुआ उसको फिफ्टी परसेंट तो ब्रोकरेज भी लगी है तो कितने ज्यादा ट्रेड किए अब रीजन बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था ना कि जब मैंने ट्रेडिंग करी तो दो लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड पर मेरा प्रॉफिट चल रहा था देखो मात्र तीन हजार रुपये की बात रह गई थी यहाँ पर है ना कि दो लाख सत्तानवे हजार हाथ में अपने प्रॉफिट है सिर्फ तीन हजार रुपये और अचीव करना था उसके बाद क्या होगा ना जो माइल स्टोन था अपना अचीव हो जाता तो मैंने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लिया दो बजे के बाद दो बजे के बाद आपको पता होगा अगर आप अपोजित डायरेक्शन में मोमेंटम आता है ना ऑप्शन की वैल्यू बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती फ्लक्चुएट होती है अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो बहुत जल्दी गिर जाती है हुआ मेरे साथ ऐसे ही आउट ऑफ द मनी वैल में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लिया ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में मोवमेंटम आया जभी के जभी आ गया अब हुआ क्या कि बड़ी क्वांटिटी थी एकदम से सेल भी नहीं हो पाई ठीक है स्टॉप लॉस पे सेल भी नहीं हुआ वो ऑप्शन बहुत जल्दी नीचे गिर गया तो हुआ क्या दो लाख सत्तानवे हज़ार जो प्रॉफिट था वो भी गया प्लस में फिफ्टीन थाउजेंड जो आप देख सकते हो वो भी गया तो आप को लग रहा होगा स्क्रीन पे आपके सामने है कि चौदह हज़ार सत्तानवे हज़ार लगभग पंद्रह हज़ार रुपये का मुझे लॉस हुआ है लेकिन अगर आप उस समय मेरे साथ सिस्टम पे बैठे होते सुबह नौ से ग्यारह के बीच में आपने दो लाख सत्तानवे हज़ार का प्रॉफिट किया हुआ है और दो बजे के बाद एक छोटी सी दस पंद्रह मिनट की गलती आपके पूरे दिन का प्रॉफिट लेकर चली जा रही है एक्स्ट्रा में लॉस ही दे जा रही है तब आपको पता चलेगा आपने सिर्फ पंद्रह नहीं कहा है आपने लगभग तीन सवा लाख रुपये का लॉस किया है एक ही दिन में अब ये सेशन बनाने का रीज़न ये नहीं था कि मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ कि देखो इतने बड़े लॉस हो गया है ना ये हो गया है तो नहीं इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो अपनी साइकोलॉजी पे काम करते हैं अब देखो कोई आपको सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेन बैठ के दिखा रहा है कि मुझे पचास हजार रुपये का प्रॉफिट हो गया पचास हजार रुपए का लॉस हो गया और मैं स्ट्रेट बैठा हूँ वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है अगर प्रॉफिट होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिमाग में खुशी आती है लॉस होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस आता है हाँ अगर सिस्टम का ऐसा लेट होता है ना वो जो छोटा मेजर करके चलते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है तब आप न्यूट्रल बैठ सकते हो क्योंकि आपने वो रिस्क पहले ही मेजर की हुई है कि यार पैंतीस पॉइंट का स्टॉप लॉस है या क्वांटिटी मैंने लिया तो साढ़े तीन हजार रुपए जाएंगे तो आपको पहले से ही पता होता है कितना लॉस आपका आने वाला है तब आप अगर प्लेन बैठे हो कोई आपको बता रहे है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया सिंपली तो वो एक्सेप्टेबल है लेकिन किसी का बड़ा लॉस और किसी का बड़ा प्रॉफिट हो जा रहा है बड़ा लॉस बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और सिंपल आपको बैठ के दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है सबकी साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ हिट करता ही है और कुछ ना कुछ गड़बड़ सभी कर ही जाते हैं मैंने ऐसे गड़बड़ करी माइलस्टोन अचीव करने के चक्कर में दूसरा रीज़न ये रहा कि पूरा वीक अपने फेवर में रहे तो जरूर ये दिन भी फेवर में ही आएगा तो ऐसी गलती करी ऐसी हर कोई कोई ना कोई गलती करता है अब यहां पर आपके रीजन अलग हो सकते हैं कोई कर्जे में चल रहे हैं किसी को आज ही खर्चे निकालने के चीज़ के तो देखो इसका सोल्यूशन सिंपल सा यही है कि सोर्स ऑफ इनकम आपको पहले कहीं और से फाइंड करना पड़ेगा जॉब करो बिजनेस करो डजेंट मैटर लेकिन ट्रेडिंग को अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो आप बिना किसी बैकअप के तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा ऑलरेडी एक स्ट्रेस वाला काम है और आप किसी ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए हो या फिर आपको कोई एकदम से खर्चे घर के चलाने पड़ जाएंगे तो ट्रेडिंग से काम नहीं बनेगा कोई भी ऐसा ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं होगा जिसने एकदम से गरीबी से शुरुआत करी और बेकअप मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं साथ में और सीधा ट्रेडिंग करने लग गया घर वालों से पैसे मांग के कुछ भी करके और वो ट्रेडर बन गया एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं होगा आप उठा के देख लो सबके पास सोर्स ऑफ इनकम जरूर रही है तभी कहा जाता है कि तीन से छः महीने की सेविंग्स करो तभी ट्रेडिंग की शुरुआत करो जिससे कि उसमें लॉस हो तो आपको पता होगा कि कोई बात नहीं वहाँ लॉस हो गया लेकिन मेरे पास तीन छह महीने का बैकअप पड़ा है मैं सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो तो ज़्यादा बेटर है इंस्टेंट के मैं ये देखूँ कि मुझे घर कर चलाना है तो बस मेरी तरफ से सेशन यही था एक छोटा सा लेसन आपको देखे जाना था अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब तो रेगुलर सेशन्स आएँगे एक साथ सोचा है कि तीन चार सेशन्स की मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है तो तीन चार सेशन तो यहाँ पर टाइम पर आ जाएंगे आपके अभी के लिए इतना ही थैंक यू